सब्सक्राइब करें आर्किटेक्ट स्कूल को, और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें। हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे 2050 आईसी का एम्पलीफायर। ठीक है, ये है इसका सर्किट डायग्राम। आप देख लीजिए, सर्किट डायग्राम को देख लीजिए। आप चाहे तो इसको एक स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं घर पे बनाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ क्या क्या कंपोनेंट लगा है उसको मैंने लिख दिया है यहाँ पे, फिर भी मैं एक बार दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, 2050 का आईसी नंबर नहीं दिख रहे हैं, जो ये 2050 का है। ठीक है, आईसी है। और इसके साथ चाहिए 4 कैपेसिटर, 4 कैपेसिटर, एक 10 UF 50 वोल्ट का, ठीक है, एक 100 UF 50 वोल्ट, और एक 100 UF 40 वोल्ट, मतलब 200 UF 50 वोल्ट का दो चाहिए। तो मैंने एक 40 वोल्ट का लिया है, मेरे पास 50 वोल्ट का एक कमी है इसलिए। ठीक है, और एक चाहिए 47 UF 65 वोल्ट। ठीक है, यहाँ पे मैंने 63 वोल्ट लिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 4 रेजिस्टेंस चाहिए, 4 रेजिस्टेंस। एक चाहिए आपको, ये है 560 ओम का रेजिस्टेंस एक चाहिए। ठीक है, ये 33K का रेजिस्टेंस, 33 किलो ओम का रेजिस्टेंस एक चाहिए। और ये हो गया 22 किलो ओम का रेजिस्टेंस एक चाहिए, और 2.2 किलो ओम का रेजिस्टेंस एक चाहिए। ठीक है, और चाहिए दो दो डायोड चाहिए, 4007 का दो डायोड। ठीक है, और एक चाहिए 224J, मतलब 224J 100 वोल्ट का एक PF कैपेसिटर चाहिए। ठीक है, बस इतना सामान लगा के हम ये एम्पलीफायर रेडी करेंगे। ये जो यहाँ पे जो ब्लैंक PCB बोर्ड है मेरा, इसी में हम लगा के इसको रेडी करेंगे। ठीक है, अभी देखिए, मैं एक एक चीज़ यहाँ पे लगाता हूँ। देखिए, यहाँ पर जैसे मैंने डाला है इस आईसी को, वैसा ही सेम जितना भी मेरा यहाँ पे कंपोनेंट है सबको लगाएंगे कंपोनेंट को, उसके बाद इसको सोल्डर करके रेडी करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम सारा कंपोनेंट जो है सबको हम लगाना शुरू करेंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इस बोर्ड में सारा कंपोनेंट लगा के दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, यहाँ पे मैंने सारा सामान लगा दिया है। अभी पीछे साइड देखिए, इसको हम काटेंगे और सोल्डर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे वैसा ही लगा है, यहाँ पे ये जो डायग्राम में जैसा है वैसा ही मैंने यहाँ पे लगाया है। ठीक है, और इसको काटेंगे, सोल्डर करेंगे, उसके बाद इसका जो कनेक्शन है, किसके साथ कौन सा पिन के साथ कौन सा कनेक्शन है, वो रेडी करेंगे। ठीक है, रेडी करने के बाद इसको टेस्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, सारा कंपोनेंट मैंने सोल्डर कर दिया है इस तरह से। ये देखिए, अभी इसके साथ हम एक ऑक्स केबल जोड़ेंगे। ठीक है, ऑक्स केबल जोड़ेंगे और 12012 एक ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे, और इसके बाद देखेंगे ये चलता है या नहीं। ठीक है, तो चलिए जोड़ के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने छोटा सा स्पीकर लिया है। ठीक है, और स्पीकर का कनेक्शन यहाँ पे किया है पॉजिटिव का, और ग्राउंड पे किया है ग्राउंड का। ठीक है, और ये जो 3 वायर लिया है, ये हमारा 12+, ये 0, ये 12- का जाएगा ट्रांसफार्मर में। और यहाँ पे ऑक्स राइट और ग्राउंड को ज्वाइन किया है, ये लेफ्ट साइड को छोड़ दिया है। ठीक है,
अभी इसमें ट्रांसफार्मर ज्वाइन करके चला के देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसका सारा सेटअप कर दिया है, अभी इसको पावर देंगे। ठीक है, पावर कॉर्ड में दे दिया है, अभी स्विच ऑन करते हैं। ये देखिए स्पीकर में करंट आ गया है, आपको शायद आवाज़ आ रहा होगा। ठीक है, और इसमें अभी हम गाना चला के सुनते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने मोबाइल पे लगा दिया है कॉर्ड। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।